सागर जिले के सुरखी विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। सुरखी विधानसभा के 1114 वृद्ध निशक्त जनों के लिए शुरू हुए पोस्टल मतदान में बड़ा खेल उजागर हुआ है। निर्वाचन कार्यालय के अमले के साथ भाजपा कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से वोट डाल रहे हैं। नोट बांटने के वीडियो के बाद अब वोट लूट का वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा, जिसके तहत आवेदन करने पर निर्वाचन आयोग के कर्मचारी उक्त निशक्त जन या वृद्ध के घर जाकर निर्वाचन प्रक्रिया के फॉर्म भरवा कर उससे गुप्त मतदान करा रहे हैं और उसका मतपत्र लिफाफे में सिल कर पेटी में रखकर स्ट्रॉन्ग रूप से जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया की जानकारी दोनों ही दलों के पदाधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन इस तरह के वीडियो की कोई लिखित शिकायत अभी तक नहीं आई है। शिकायत आने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ जिला निर्वाचन कार्यकारी पूरी तरह मिला हुआ है, यह स्पष्ट हो गया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा और जिला कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी गई है। शिकायत में मांग की गई है कि सागर के जिला निर्वाचन अधिकारी को सागर से तत्काल हटाया जाए और ईमानदार अधिकारियों की स्थापना की जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। गौरतलब है कि चुनाव में लगातार वायरल वीडियो आ रहे हैं। वोट की लूट के पहले सुर्खी से ही नोट बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भी कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। सर, जो इस बार चुनाव में निशक्त जन और वृद्धजनों के लिए जो मतपत्र से वोटिंग हुई थी, इसकी प्रोसेस क्या है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रावधान अभी किए गए हैं कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति एवं दिव्यांग व्यक्ति अगर वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देना चाहते हैं तो वो फॉर्म 12D में अपना आवेदन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। सुरखी विधानसभा के उपचुनाव में लगभग 4,400 इस तरह के मतदाता थे जिन्हें BLO के द्वारा फॉर्म 12D दिया गया था। इनमें से लगभग 1100 वोटर्स ने इस आशय का आवेदन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को दिया था कि वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं। इसके लिए सुरखी विधानसभा में जो 30 सेक्टर हैं, प्रत्येक सेक्टर के लिए 2 मतदान अधिकारी, 1 सुरक्षाकर्मी और 1 वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। ये लोग फॉर्म 13A, 13B और 13C, 3 प्रकार के फॉर्म और बैलेट लेकर प्रत्येक जो मतदाता हैं उनके घर पे जाते हैं। मतदाता को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है और उसके बाद उनका मतदान उनके घर पे ही कराया जाकर जो बैलेट पेपर है उसको सुरक्षित रूप से मतदान दल प्राप्त करके और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा करता है। इस तरह के सभी जो बैलेट पेपर हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में सुरक्षित रखे जाते हैं और मतदान के पूर्व इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है वहाँ पर लाकर रख लिया जाएगा। सर, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा कार्यकर्ता वोट डाल रहे हैं बैलेट पेपर के जरिए, जैसी नगर के। सर, ये परासिया का वीडियो बताया जा रहा है। सर, पोस्टल बैलेट की पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के मार्गदर्शन में सेक्टर ऑफिसर, मतदान अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति में हो रही है। पूरे कार्यक्रम की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सभी कैंडिडेट्स को भी दी गई है। कैंडिडेट्स को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये भी अवगत कराया गया है कि वे इन मतदान दलों के साथ अपने एजेंट्स भी भेज सकते हैं। मैंने और पुलिस अधीक्षक ने विगत दिनों दौरे भी किए हैं, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को देखा भी है और जहां भी हम गए हैं वहां पर हमें नियमानुसार पोस्टल बैलेट की कार्यवाही मिली है और वहां पर कैंडिडेट्स के द्वारा जो नियुक्त किए गए एजेंट्स हैं वो भी मिले हैं। सर, इस वीडियो की कितनी सत्यता है? अगर कोई वीडियो हमें सप्रमाण शिकायत के साथ देगा तो इसकी जांच करके हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी वीडियो अभी तक हमें शिकायत के साथ प्राप्त नहीं हुआ। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान नहीं हो रहा, जिसका प्रमाण
परासिया में, पनारी में जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई हैं, निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन यहां देखने को और सुनने को सबके सामने मिला है, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यालय के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को और भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस जिले के निर्वाचन आयोग से, मध्य प्रदेश को देश के निर्वाचन आयोग से, कि यहाँ निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव नहीं हो पा रहा है। सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें सरेआम धांधलशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के उपाय किए जाएं। अगर यह नहीं रोक पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इस मामले में निर्वाचन में लगी प्रशासनिक एजेंसी मिल चुकी है, जिससे अब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने की हमें उम्मीद नहीं रह गई है। भारत निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हैं, उन पर शीघ्र कार्रवाई, उन्हें अन्यत्र रखकर ईमानदार लोगों को तैनात किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।